दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने YouTube चैनल पे कॉलेज की परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी बीए बीएससी बीकॉम और एमएससी एमकॉम के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं, स्नातक पर स्नातक परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा फैसला अभी अभी शिक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। बीए बीएससी बीकॉम और एमएससी एमकॉम की एग्जाम डेट्स फिर से आगे बढ़ाई गई हैं और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार आप सभी की परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया जाने वाला है। जितने भी हमारे छात्र बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के, स्नातक और परस्नातक के जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए ये वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे भी कॉलेज की परीक्षाओं से रिलेटेड जितनी भी अपडेट जारी हो आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचा जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022 पर आप लोगों के एग्जाम अब कब से होंगे स्टार्ट, क्योंकि कोरोना की चौथी वेव भी आने जा रही है और कई बड़ी संस्थाओं ने इसकी घोषणा भी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022 पर आज यूजीसी ने एक और नई नोटिस जारी कर दी है। और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बताना चाहेंगे, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं देखा है तो आज का न्यूज़पेपर देखिए, माई सिटी का देखिए या आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर देखिए। बताया गया है कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, नया वेरियंट भी आ चुका है। नया वेरियंट ओमिक्रॉन के अलावा डेल्टा भी था और डेल्टा के बाद एक और नया वेरियंट, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर आ चुका है, ठीक है, जिसको हम लोग डेल्मिक्रॉन के नाम से जान रहे हैं इस समय। और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही, कोरोना की चौथी वेव जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो आपकी मई जून और जुलाई के महीनों में की जा रही है। आईआईटी कानपुर समेत कई अन्य संस्थाओं ने भी इसकी घोषणा कर दी है। यूजीसी ने भी अब कोई गाइडलाइन जारी करने से इनकार कर दिया है और यहाँ पे क्या फिर से छात्र प्रमोट किए जाएंगे इस पर भी काफ़ी बड़ा संशय क्रिएट होने लगा। यूजीसी के नोटिफिकेशन कहा गया कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो थे ये मई में स्टार्ट होने हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी हमारे बी ए बी एस सी बी कॉम और एम एम एस सी एम कॉम के छात्र हैं उनके लिए फिर से एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पर खतरा क्रिएट होता हुआ। आपको बता दें साल 2022 में छात्रों की परीक्षाएं ना हो, इसको काफ़ी ज़्यादा पहले से ही यहाँ पे ट्रेंड किया जा रहा था कि इस बार भी छात्रों को मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट किया जाए, पास किया जाए, क्योंकि 2022 में छात्रों की पढ़ाई ना के बराबर हुई है। अब बिना पढ़ाई के अगर वो एग्ज़ाम देंगे तो उनके मार्क्स कम आएंगे, तो ऐसे में छात्र ये चाहते थे कि इस बार छात्रों को जो मिड टर्म परीक्षाएँ हुई थी इसके आधार पर प्रमोट किया जाए। अब काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि कोरोना की चौथी लहर ने फिर से चिंताएँ बढ़ा दी है। कोरोना की चौथी लहर की जो डेट है कि कोरोना कब भारत में आएगा, चौथी लहर कब आएगी, तो वो डेट आप लोगों की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की डेट से क्लैश हो रही है। तो ऐसे में हमारे एक बार फिर से जो बीए बीएससी बीकॉम के और एमएमएससी एमकॉम के एग्जाम्स होने हैं इन पर काफ़ी बड़ा खतरा मनाने लगा है कोरोना की चौथी वेव के रूप में। और पहले भी तो इस बार आप लोग बताते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो 2022 होनी है इसको लेकर काफ़ी बड़े अपडेट आए थे, काफ़ी बड़े बदलाव किए गए थे। इस बार मिड टर्म परीक्षाएँ, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ यूनिवर्सिटी की बीए बीएससी बीकॉम की एमएमएससी एमकॉम की कंडक्ट कराई गई, जो कि एक काफ़ी नई चीज़ थी और मिड टर्म परीक्षाएं पहले कभी नहीं होती थी। इस बार कोरोना के कारण एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर छात्रों को इस बार भी प्रमोट होना पड़ा तो हम मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर करेंगे, इसीलिए मिड टर्म परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी। अब कोरोना की चौथी वेव ने चिंताएं बढ़ा दी है, फिर से छात्रों को इस बार भी क्या मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ये सवाल खड़ा होने लगा। और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 5 से 10 मई 2022 के बीच में आप सभी के एग्ज़ाम जितने भी बाकी हैं सभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोरोना की लहर आप सभी की परीक्षाओं की तिथियों के करीब आए तो वहाँ पर फिर से परीक्षाएँ आगे बढ़ाई जा सकती है। और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही, जितने भी बी ए बी एस सी बीकॉम के और एमएमएससी एमकॉम